सुबह हो चुकी है, सूरज निकल चुका है। माशाल्लाह सभी लोग खैरियत होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत खैरियत हूँ, खुश हूँ। और मुझे मेरी बारी है, मैं यहाँ आ चुकी हूँ झाड़ू काटने के बाद। तो सफाई मैंने घर में तो कर ली है, लेकिन मेरी मम्मी जी जिन्होंने एक मूली मंगाई थी, तो मैं मूली देख रही हूँ अगर कोई हो तो। मुझे तो यहाँ है देसी मूली है, आप देख सकते हो ये, और काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उपाड़ ली है मैंने, और काफ़ी अच्छी मूली है आप देख सकते हो। और इसको मैं धो के अम्मी को देकर आऊँगी ताकि वो खा लें। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। वैसे जो देसी मूली होती है वो सेहत के लिए बेहद ही अच्छी होती है, क्योंकि मेरे पापा हैं जो मेरे अब्बा जान हैं वो डॉक्टर हैं, और वो बताते हैं कि मैं बर्तन लेकर आई हूँ सफाई के लिए, और अब मैं इन बर्तनों को यहाँ पर साफ करूँगी तब खाना बनाऊँगी, क्योंकि सुबह चाय के बर्तन थे, रात को तो हमने धो दिए थे, और रात को जो हमारे परिवार वाले लेट भी आए थे, पता नहीं बर्तन नहीं धोते। और सफाई करते इसमें आँच दे दिए ताकि आलू उबल जाए, और हम बर्तन साफ कर लेंगे, वड़ा पाव बनाएंगे, आलू उबल जाएंगे। अब मैं इसमें मोटी लकड़ी दे देती हूँ। माशाल्लाह शेख, हमने ये नाड़ कर भी आ गई हूँ मैं, और ये हमने काट लिया है यहाँ पर मसाला है तो जो भी चीज़ें हैं। और हम आलू को देख लेते हैं कि अब हमारे आलू धोए हैं या नहीं, काफ़ी देर से चढ़ाए हैं हमने, सर्दी बहुत है आज तो। आलू भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुके हैं, तो मैं इन्हें उतार लेती हूँ। उतारने के बाद तैयारी करते हैं अपने वड़ा पाव की, और बेसन लेकर आती हूँ मैं। इसमें है जो ये हमने काटा है, प्याज है, मटर है, और गाजर, धनिया, मिर्च, सब कुछ हमने यहाँ पर काट लिया है। इसमें हम आलू को मिलाएंगे और फिर बेसन में डालकर इनके वड़ा पाव बना लेंगे। तब तक थोड़े हाथ सेक लेते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है। बेसन लेकर आती हूँ, चलो बेसन लेकर आते हैं दुकान पे सर। माशाल्लाह हमने ये तैयार कर लिया है, और आलू का जो मसाला था वो बना लिया है। हम इसके पेड़े तैयार कर रहे हैं ताकि इनको बेसन में तल लें, और माशाल्लाह। और अभी हमारा जो बेसन है इसमें हमने नमक मिर्ची मिला लिया है, और कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है तो इसमें हम काट लिए, क्योंकि एक दो जो है मोहम्मद खाता है, तो उसके लिए हमने गोभी भी काट ली है, गोभी के पकौड़े बना देंगे। और यहाँ पर जो हमारा बेसन है वो भी रेडी हो चुका है, तेल भी हो चुका है, तो अब हम शुरुआत करते हैं वड़ा पाव की। और आप तो इतनी दूर बैठे हैं तो आप लोग तो बता नहीं सकते कैसे बने होंगे, मैं ही खा कर आपको बता दूँगी कैसे बने हैं। और ये मैंने वड़ा पाव पहले डाल दिया है, तो है। कम आँच हमने कर रखी है ताकि वो जले नहीं और अंदर से अच्छे से भुन जाए। इसके साथ में हम चटनी और बनाते हैं लहसुन की, गांव तो अपना याद आता ही होगा, तो आज हम यादें ताज़ा करा देते हैं वड़ा पाव के साथ जो बाहर बाजार में खाते हैं। और तो ये होता है एक वड़ा पाव, तो मतलब हमारा तेल अच्छे से हो चुका है, और इसमें सारे वड़ा पाव डाल देंगे क्योंकि तेल अच्छे तरीके से हो चुका है हमारा। और जो बाकी हैं उनको भी डाल देंगे। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है दिखने में भी, खाने में भी इतना ही टेस्टी होगा। और अभी जो ये बाकी भी हम सजा देते हैं, जब मैं ड्यूटी करती हूँ तो जो अरसद भाई जी हैं उनको मैं सर बोलती हूँ, लेकिन अभी भी ड्यूटी कर रही हूँ, तो पहली बात तो मेरे सर के लिए ये, और दूसरी बात मेरे भाई भी है वो, तो मेरे भाई के लिए ये वड़ा पाव। भाई आप चक्कर बताइएगा कैसे बने, दूर से ही पास तो आ नहीं सकती मैं खाने के लिए, तो
तब तक ये मैंने चुफ्ती गोभी काटी है, तो इनके भी मैं पराठे बनाऊंगी। पराठे नहीं, माफ़ कीजिएगा, पकौड़े बनाऊंगी। पराठे तो हम कल बनाएंगे। जो भाई मेरे शहर जा रहे हैं, जा चुके हैं ना, और वहाँ रहते हैं, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ घर आ जा भाई, तेरा गांव बुलाए रे। पकौड़े और मीठे हैं, वैसे भी काफी टाइम हो चुका है, तो भूख तो सबको लगी रही होगी बहुत ज्यादा। एक मिर्ची बनाइए। इस वीडियो में एक बात और करनी है, कुछ लोग ये कहते हैं कि शरीफ लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन शरीफ लड़कियां निकल जा कहीं भी जाए, लेकिन वो शरीफ ही रहती हैं, ये होती है अच्छाई, कहीं भी जाए लेकिन इज्जत का ध्यान रखें। जैसे ये हमारे बन चुके हैं, तो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियो मैं आपके लिए फिर लेकर हाजिर होंगी। अभी मेरे अब्बा जान इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और मेरी अम्मी भी, तो उन्हें मैं लेकर आती हूँ, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तो हाँ, मैं आपको गाँव के जो गाँव क्या होता है उस चीज का आपको एहसास करवाऊंगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।